हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ग्रेट बूस्टर एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? जैसे आप सबको पता है, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस। और उस कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिया जा रहा है, प्रिवेंशन भी लिया जा रहा है, और स्पेशली इन दिस विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में ज्यादातर कोरोना वायरस जो पेशेंट्स है ज्यादा मात्रा में आए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे पेशेंट्स के जो हैं डेथ्स भी हो रहे हैं। हमारा जो डेथ का रेशियो था वो बहुत फिलहाल कम था, बट अभी विंटर सीजन के कारण फिर वापस बढ़ रहा है। तो बहुत सारे हमारे जो कैपिटल है, दिल्ली है, मुंबई है, वहां पर भी रेशियो बहुत ज्यादा हद से बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इससे डरना तो नहीं है, इससे हमें बचना है, प्रिवेंशन जितने भी होने उतना हमें लेना है और आगे भी बढ़ना है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत सारे ऑनलाइन कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे टैली हुआ, एमएस ऑफिस पैकेज हुआ। तो रिसेंटली हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं टैली के ऊपर, जैसे मैंने बताया था। उस टैली वीडियोस कोर्स में आपको मैंने 70-80% जो भी टैली के रिलेटेड स्टडीज थे वो मैंने प्रोवाइड किया है, और भी आज हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो काम होते हैं, जिस काम के लिए मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट रिसेंटली देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज मेड इन द टैली सर्वर। टैली सर्वर कंपनीज ने बहुत सा एक बड़ा चेंज, बहुत एक बड़ा अपडेट लेके आया है। तो उस अपडेट के रिलेटेड आज हम ये वीडियोस में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, जिसमें टैली का जो सेटअप था, टैली का जो सर्वर था, जिसके माध्यम से हम लोग जो भी अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने अपना पूरा सर्वर का पूरा चेंज किया है। उन्होंने टैली का जो सेटअप है उसको पूरा चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा हमको मिलते हैं, जैसे आपको स्क्रीन लेआउट में बहुत कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पहले क्या होता था, जैसे आपको कुछ भी अगर आपको डाटा अगर आपको कलेक्ट करना होता था टैली के माध्यम से, टैली में अगर आपको कुछ भी डाटा को आपको एनालिसिस चेक करना होता था, तो उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर होता था। अगर आपको सेल रजिस्टर चेक करना है तो आपको डिस्प्ले में जाना पड़ता था, अकाउंट्स में सेल रजिस्टर फिर जाके आपको ऑप्शन मिलता था। बट अभी जो चेंजेस आए हैं, जिसमें अभी अपडेट पूरा किया गया है, उसमें टैली बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। इट इज ए यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम। ये अभी और भी मतलब और भी स्टूडेंट्स के लिए इजी हो गया है कि कुछ भी डाटा को इजीली उसे रिपोर्ट करना हो या फिर उससे एनालिसिस करना हो, उस डाटा को अगर हमको देखना हो तो वो बहुत इजी से हम देख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं जिन्होंने जो भी बिजनेस होल्डर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी टैली का ऑलरेडी प्रीवियस वर्जन जो टीएलई ईआरपी 9 है उन्होंने इंस्टॉल किया है, और अब अगर वो माइग्रेट होना चाहते हैं टैली के न्यू जो सॉफ्टवेयर भी आया टैली प्राइम का, अगर उसमें अपडेट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बात है टैली प्राइम के रिलेटेड वो क्लियर करना चाहता हूँ कि टैली प्राइम जो लाइसेंस है उसके लिए एक्स्ट्रा लाइसेंस आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी टैली ईआरपी 9 का ऑलरेडी लाइसेंस अगर आपके पास है, तो आपको टैली प्राइम के लिए एक्स्ट्रा लाइसेंस परचेज करना नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होल्डर्स हैं जो मुझे रेगुलरली कॉल करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद अब प्राइम अगर अपडेट एक नया आ गया है तो उसके लिए शायद एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़े। अगर पर कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी टैली ईआरपी 9 का लाइसेंस की है। तो अब हम सीखते हैं उसको कैसे हम लोग अपडेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर सकते हैं, या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं। तो आपको ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको एड्रेस बार में गूगल सर्च करना है। जैसे ही गूगल का वेब पेज ओपन हो जाता है उसमें आप टैली सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको टैली का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर टैली सर्च करता हूँ तो यहाँ पर नीचे उसका रिजल्ट डिस्प्ले करता है, tallysolutions.com का रिजल्ट करता है। आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका टैली सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी आपको देखिए बहुत कुछ चेंजेस दिख रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है से हेलो टू टैली प्राइम। आपको देखिए जैसे हमारा पुराना टैली था जिसका कलर कुछ ग्रीन कलर का था, कुछ लाइट ब्राउन कलर का था, अब वो देखिए पूरा स्काई ब्लू कलर का आ गया है, और कुछ नए नए ऑप्शंस भी अवेलेबल किया है
जो देखिए मेन ऑप्शन जो अवेलेबल किया था है वो है गो टू। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन एंड द मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन विच इज नाउ बिंग मेंशन्ड इन द टेलीप्राइम। ये बहुत ही फायदेमंद करेगा ये गो टू ऑप्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए अगर आपके पास टेली लाइसेंस की ऑलरेडी है, आपके टेली ERP9 का लाइसेंस की है, तो आपको सिंपली एक करना है, इसे डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको फिर ऑप्शन दिखाई जाएगा डाउनलोड। तो उस डाउनलोड के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसे इंस्टॉल करेंगे। वो प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, बट उससे पहले टेली प्राइम के लिए आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया गया है कि दैट इट सपोर्ट्स विंडोज 7 और लेटर। विंडोज 7 के बाद भी जो आया है, विंडोज 8 हो, 10 हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा, बट इट मस्ट बी ऑफ 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32-bit में चलता है, रन होता है, तो वो इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन नहीं होगा। फाइल डाउनलोड तो हो जाएगा बट उसे आप सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32-bit है या 64-bit है, तो उसको आप उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल माई PC में जाना पड़ेगा, या फिर आपका माई कंप्यूटर है, जो भी ऑप्शन आपके में है। मेरा विंडोज 8 है तो यहाँ पर दिस PC ऑप्शन डिस्प्ले कर रहा है। आपके में माई कंप्यूटर भी ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, आपको सिर्फ उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर के ऊपर या दिस PC के ऊपर, और उसके ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो यहाँ एक विंडोज ओपन हो जाएगा जहां पर वो आपका कॉन्फ़िगरेशन, आपका लैपटॉप का, आपका PC का कॉन्फ़िगरेशन पूरा डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए मेरे में दिखा रहा है सिस्टम टाइप है 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपके में भी वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर आपका PC 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करता है तो उसमें टेली प्राइम इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो अब आप क्या करें, तो आपको क्या करना होगा ना, अपने नजदीक के कोई भी कंप्यूटर, जो आपका जो सेंटर होगा जहां पर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सब अपडेट किया जाता है, जिसमें डाउनलोडिंग किया जाता है, तो आप कोई भी कंप्यूटर स्टोर में जाके अपना फॉर्मेट विंडोज को अपडेट करा सकते हैं। विंडोज 7 है, 32 अगर बिट है तो आप 64-bit करा सकते हैं, या फिर विंडोज 7 का जो हायर अपडेट है, हायर वर्जन है, उसमें भी आप चाहें तो अपने कंप्यूटर या PC को या फिर लैपटॉप को अपने उसमें अपडेट करा सकते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल यू इंस्टॉल 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर PC और लैपटॉप, टेली प्राइम विल नॉट बी इंस्टॉल। टेली प्राइम इंस्टॉल नहीं होगा, डाउनलोड हो जाएगा बट जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर वो इंस्टॉल नहीं आएगा, वो दिखा देगा कि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी टेली प्राइम का जो ऑपरेटिंग सॉरी सेटअप है, मैंने ऑलरेडी उसे डाउनलोड करके यहाँ पर रख दिया डेस्कटॉप में। तो देखिए ये है उसका पुराना वर्जन जो हमारा टेली ERP9 था। मैं इसे ओपन कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैं टेली ERP ओपन करते हैं। तो सॉरी ये इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि एग्जैक्टली मैंने टेली प्राइम को ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था, जितने भी सर्वर पास से मैंने ऑलरेडी उसमें डाटा फाइल से उसमें कन्वर्ट कर दिया था, तो इसलिए वो कुछ हद से ओपन नहीं हो रहा है। तो अब हम देखेंगे टेली प्राइम को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो कैसे होता है। तो देखिए मैंने सेटअप फाइल यहाँ डाउनलोड करके रखा है, इसे आपको डबल क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करके ओपन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर टेली का सेटअप के ऊपर हम लोग इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पर वो पूछता है येस और नो। जैसे आप नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं जितने भी सारे एप्लीकेशन, इंस्टॉलेशन प्रोसीजर विल बी द सेम, आपको येस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप येस के ऊपर क्लिक करते हैं इसका नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें वो आपको कुछ ऑप्शंस मांगेगा, जैसे एक है कॉन्फ़िगर, मोर एक्शंस और एक अपडेट। अपडेट उस केस में यूज कीजिएगा अगर आपका टैली ERP9 ऑलरेडी है, आप उसको प्राइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस केस में आप अपडेट चूज कीजिएगा। कॉन्फ़िगर में आपको अगर कुछ सेटिंग्स चेंज करना हो, कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज करना हो, एप्लीकेशन हुआ, डेस्कटॉप हुआ, ये सब अगर आपका नॉर्मल कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट ये जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा। बट आपको यहाँ पर अभी कहाँ पर जाना है ना, मोर एक्शन में। आप जैसे ही मोर एक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि इंस्टॉल न्यू या फिर सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द ड्राइव। इंस्टॉल न्यू का मतलब ये होता है कि आप टैली को फुल्ली, टैली प्राइम को पूरा न्यू में इंस्टॉल करना चाहते हैं, नया जगह में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप उसे इंस्टॉल न्यू कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव। अगर आपका कोई एक ड्राइव में एप्लीकेशन है तो उसको अगर आप सिलेक्ट करके ओपन करना चाहते हैं तो वो चूज कर सकते हैं। आप बेसिकली इसे मतलब अगर आप चाहते हैं कि
आपका टैली ERP 9 है उसे ही आप चाहते हैं कि ओपन करने का, तो आप सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव चूज कर सकते हैं। तो आपका जिस ड्राइव में टैली इंस्टॉल होके रहा होगा आप उसे चूज कर दीजिएगा और नो डाउट वैसे वो टैली इंस्टॉल हो जाएगा, बट बेटर रहेगा आप इसे इंस्टॉल न्यू कीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आप इंस्टॉल कीजिए तो देखिए कुछ ही देरों में ये टैली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगा। आप लाइसेंस की बाद में भी डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको इंस्टॉल न्यू इसलिए करके दिखाना चाहता हूँ कि आपके लिए बेटर होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो इसे एजुकेशनल मोड में रन करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने इसलिए इंस्टॉल न्यू का ऑप्शन आपको बता दिया है, बट अगर आप एक बिजनेस होल्डर हैं तो आप इंस्टॉल न्यू भी कर सकते हैं, बाद में लाइसेंस की दे के भी करवा सकते हैं। तो देखिए अब टैली प्राइम जो है वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, हमारा यहाँ एक शॉर्टकट भी आके रह चुका होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टैली प्राइम का एक शॉर्टकट भी आया विच इज मोस्ट मोर अट्रैक्टिव। टैली ERP 9 का जो शॉर्टकट था, जो आइकन का जो आइकन था, उसका जो आइकन था और ये टैली प्राइम का जो आइकन है बहुत सारा डिफरेंट आ गया, उसमें अट्रैक्टिव भी लग रहा है, कुछ नया भी लग रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अभी टैली प्राइम इंस्टॉल हो गया है, अब यहाँ पर वो ऑप्शन मांग रहा है स्टार्ट टैली प्राइम, तो आपको स्टार्ट टैली प्राइम चूज करना है। देखिए कुछ इस तरह से आपका टैली प्राइम ओपन होगा, कुछ नए डिजाइन से, कुछ नए लुक से, और बहुत सारे बेनिफिट आपके लिए किया है, स्पेशली जो अगर स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये टैली प्राइम बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही कम समय में वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई सीख सकते हैं। पहले जो टैली ERP 9 जो प्रोसीजर था उसमें लंबा प्रोसीजर था, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर था, आपको अगर सेल रजिस्टर चेक करना है, GST रिपोर्ट चेक करना है, सेल बिल चेक करना है, तो उसमें अगर आपको वाउचर्स रिकॉर्ड करना है, लेजर्स क्रिएट करना है, इट वॉज ए लेंथी प्रोसेस। आपको अकाउंट इन्फो में जाना पड़ता था, लेजर्स में जाना पड़ता था, फिर क्रिएट करते थे, बट यहाँ ये आपको बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको हेल्प करेगा टैली को लर्न करने में। तो देखिए यहाँ पर टैली अभी स्टार्ट हुआ है टैली प्राइम, और यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट के लिए मांगा है, आपको अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट वैसे कॉन्फ़िगर करने का कुछ रीजन नहीं होगा, आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अब अगर आपके पास लाइसेंस होता है तो आप रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस चूज कीजिएगा, आपका जो tally.net ID होता है उसे दीजिएगा और उसी के साथ tally.net का पासवर्ड भी दीजिएगा। जैसे आप ये दोनों देते हैं तो आपका टैली वापस से जो आपका पुराना लाइसेंस था उसी में उसका हो जाएगा। अगर आपका न्यू लाइसेंस आपने रिसेंटली खरीदा है, आपका पहले टैली ERP 9 नहीं था, तो आप एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में चूज कीजिएगा, आपका लाइसेंस की जो भी है, प्रोडक्ट की जो भी है, आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। बट देखिए ये अभी वापस भी वही एजुकेशनल वर्जन है, ये मत सोचिएगा कि टैली प्राइम आ गया है तो एजुकेशनल वर्जन को हटा दिया गया हो, यहाँ पर अभी भी एजुकेशनल मोड है जिससे स्टूडेंट्स इजीली इसे सीख सके, तो आपको यहाँ पर ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशन चूज कीजिएगा, क्योंकि ना अभी हमारे पास की नहीं है, लाइसेंस की नहीं है, तो हम इसे एजुकेशनल मोड के लिए यूज कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पोज के लिए यूज किए हैं, तो फॉर दैट नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, तो आप इसे चूज कीजिए। अब जैसे ही इसे चूज कीजिए, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस चूज कर सकते हैं, आपको लाइसेंस दे सकते हैं, बट अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप एजुकेशनल मोड में भी रन कर सकते हैं। तो देखिए टैली में ये बहुत ही बड़ा एक चेंजेस आया है, जैसे देखिए पहले हम जब एक कंपनी क्रिएट करते थे या सिलेक्ट करते थे तो हमें क्या करना होता था, उस कंपनी में जाके उस डाटा वो जो पाथ होता है उस पाथ को जाके हमें चूज करना था। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर अभी कोई भी कंपनी सिलेक्टेड नहीं है, कोई भी कंपनी भी नहीं दिखाया रहा है, तो हम पहले क्या करते थे टैली में स्पेसिफाई पाथ हम जो सिलेक्ट कंपनी करते थे तो हमें माई कंप्यूटर में जाके जहां पर टैली इंस्टॉल किया गया होगा, सी ड्राइव में जहां भी इंस्टॉल किया जाता है, उसके पाथ को हमें जाके फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवरी करना होता था, खोजना पड़ता था कि टैली का पाथ कहाँ पर है, तो उस पाथ को जब हम कॉपी करके पेस्ट करते थे तभी यहाँ पर कंपनीज के नाम डिस्प्ले करते थे। बट अभी यहाँ पर टैली प्राइम में एक नया फीचर दिया है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आपको वापस से दिस PC में जाके या फिर माई कंप्यूटर में जाके खोजना नहीं पड़ेगा, आप यहीं बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि आपके कौन से ड्राइव में टैली का इंस्टॉलेशन किया गया हो। आप पहले क्या करते थे, हम पहले ये करते थे जैसे विंडोज सी में हम जाते थे, प्रोग्राम फाइल्स में जाते थे, फिर टैली नाम का जो फोल्डर होता था उसको ओपन करते थे, उसके बाद जो वहां पर पाथ होता था उस पाथ को वहां पर कॉपी करके पेस्ट करते थे, यहाँ से कॉपी किया जाता था एड्रेस बार से, फिर यहाँ पेस्ट करते थे, बट यहाँ पर आपको एक्सटर्नली और जाना नहीं पड़ेगा, आप यहीं पर ही रह के अपने ड्राइव को मैंने वहां पर इवेल्यूएट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव चूज करता हूँ,
तो यहाँ मेरे जितने भी ड्राइव हैं वो ड्राइव यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो मैंने एफ ड्राइव में डाटा सब रखा हुआ है, टैली फोल्डर, और यहाँ पर ये रहा वो फाइल जो हमने टैली ईआरपी 9 में बनाया था। याद आ रहा है आपको, जो हमने टैली ईआरपी 9 में आपको सिखाते वक्त, जो वीडियोस बनाते वक्त हमने आपको सिखाया था, वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। देखिए मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाइएगा, जो ये बहुत एक नया ऑप्शन अवेलेबल है, ये पहले नहीं था टैली में। हम नॉर्मली कैसे क्या करते, क्रिएट कंपनी करते या फिर सिलेक्ट कंपनी में जाके हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ता है उस पाथ को, बट यहाँ पर आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव आपका जहां पर भी होगा एफ ड्राइव में जाइए कि सी ड्राइव में जाइए, मैंने एफ ड्राइव में रखा है तो एफ ड्राइव में दिखा रहा है। टैली वॉल्ट पासवर्ड जो मैंने दिया था उस वक्त, टैली यूजर आईडी, तो देखिए हमारा कंपनी ओपन हो गया है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं वही सेम सिचुएशन है, सेम जगह है, लोकेशन है, पहले भी लेफ्ट साइड में ही दिखाता था नेम ऑफ द कंपनी, अभी भी लेफ्ट साइड में ही दिखा रहा है। तो देखिए ये वाला पूरा स्क्रीन लेआउट है जो टैली का, टैली प्राइम का है, जो बहुत ही यूनिक लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत ही आपको यूजर फ्रेंडली भी लगेगा। देखिए यहाँ पर पहले आपको राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते थे, आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स भी दिखाते थे, बट वो अब इसमें से कट आउट कर दिया गया है। तो इससे आप चिंता मत कीजिए कि आपको शॉर्टकट सब याद रखना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। आपको ये और भी यूजर फ्रेंडली बना दिया, जिससे क्या होगा ना, आपको शॉर्टकट उसी समय दिखाया जाएगा जब आप उस वाउचर्स को ओपन करेंगे या फिर जिसके हिसाब से आपको उसमें शॉर्टकट डिस्प्ले करेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्टकट ऊपर आपको दिखा दिए हैं, यहाँ पर देखिए कंपनी का। तो हमको देखिए पहले हम लोग को जब अगर कुछ कंपनी क्रिएट करना होता, कंपनी सिलेक्ट करना होता या फिर कंपनीज के कुछ भी डाटा को बैकअप लेना होता था, तो हमें ऑल्ट प्लस F3, यूजिंग ऑल्ट प्लस F3 शॉर्टकट लेके हम कंपनी इन्फो में जाते थे, बट यहाँ पर वही शॉर्टकट यहाँ पर कंपनी में अवेलेबल है। जैसे आप कंपनी के ऊपर क्लिक करते हैं, जिसका शॉर्टकट देखिए यहाँ पर नया है, K के नीचे एक अंडरलाइन। मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस में बताया है कि टैली में जितने भी सारे शॉर्टकट्स होते हैं उसे हम कैसे एक्सेस करें। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे टैली के प्लेलिस्ट में जाके सबसे फर्स्ट वीडियोस देख लीजिए, उसमें हमने पूरे डिटेल में बताया है हाउ टू एक्सेस द शॉर्टकट्स दैट आर अवेलेबल इन द टैली। तो आपको यहाँ पर देखिए कंपनी का शॉर्टकट लिखा गया है K, जिसके नीचे एक अंडरलाइन है, तो आपको ऑल्ट प्लस K प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट प्लस K प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया व्हाइल यूजिंग टैली देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ माउस। टैली यूज करते वक्त आपको माउस का कुछ भी जरूरत नहीं है, आप पूरा काम पूरे टैली को एक्सेस विद द कीबोर्ड भी कर सकते हैं। सेम टू सेम केस प्राइम में भी आता है, आप पूरा टैली को प्राइम, जो भी टैली प्राइम में जितने भी सारे आपका काम हो आप कीबोर्ड के द्वारा भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है माउस का। बट मैं यहाँ आपको समझाने के लिए, एलाबोरेट करने के लिए माउस का इस्तेमाल बीच बीच में करता रहूंगा। तो देखिए जैसे ही आप लोग कंपनी के ऊपर क्लिक करते हैं या फिर ऑल्ट प्लस K प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, सट, जो हमने ऑलरेडी कंपनी इन्फो में हमें मिल रहा था इन टैली ईआरपी 9। तो आप यहाँ चाहे तो अल्टर कर सकते हैं, आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ कंपनी, उसका शॉर्टकट भी मेंशन किया है ऑल्ट प्लस F3। उसके साथ देखिए और भी बहुत एक बेनिफिट चीज क्या दिया है हमको, जब एक कंपनी में पासवर्ड देते हैं, जैसे मैंने आप देखे हैं जब मैंने अभी ओपन कर रहा था कंपनी तो उस समय मैंने कुछ पासवर्ड दिया था, तो उस पासवर्ड को अगर आपको चेंज करना होता तो हमें अल्टर में जाके चेंज करना पड़ता था, बट आपको और अल्टर में जाना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप यूजर एंड पासवर्ड में भी जाके या चेंज एंड पासवर्ड में भी जाके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। देखिए ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड, जैसे पहले होता था, जैसे हम लोग फेसबुक में हो या फिर गूगल में हो, जैसे हम लोग चेंज करते हैं तो पहले हमें पुराना पासवर्ड मांगता है, फिर नया पासवर्ड दो बार रिपीट करने के लिए मांगता है, तो वैसे आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए तो आपको अभी क्या करना है, ऑल्ट प्लस K सिंपली प्रेस करना है, उसमें फिर जाके आपको जो भी ऑप्शंस है आपके इसमें आप उसमें चूज कर सकते हैं। तो आपको अब अल्टर में जाके पासवर्ड चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप को नहीं उठाना पड़ेगा, आप यहाँ पर ही रह के चेंज का पासवर्ड और यूजर आईडी भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ये भी जो है कनेक्ट, रिमोट एक्सेस फीचर्स, सिक्योरिटी, टैली वॉल्ट, ये सब भी ऑप्शन आप यहाँ पर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखिए टैली कॉन्फ़िगर, ये जो एक चीज दिया है बहुत एक अच्छा नया चीज दिया है, जो पहले क्या होता था ना, टैली वॉल्ट का पासवर्ड अगर आपको चेंज करना होता था तो आप अल्टर में जब जाते तो वो ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होता था, बट आपको यहाँ पर इजीली टैली वॉल्ट का भी पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं।
तो देखिए, तो ये इसके बारे में आपको अच्छे तरह से नॉलेज मिल गया होगा शायद, कि हम लोग कैसे अगर कंपनी को क्रिएट करना चाहें, अल्टर करना चाहें या कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए क्रिएट के ऊपर क्लिक कीजिए, हम क्रिएट करके भी देखते हैं कि क्या फॉर्म आता है। तो देखिए वही सेम फॉर्म आ रहा है, बस कुछ चेंजेस हुआ गया है। जो नीचे में आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन दिया जाता था, वो अब यहाँ नहीं दिया जा रहा है। जैसे देखिए मैं और एक बार आपको दिखा रहा हूँ, मैं कुछ एक कंपनी का नाम दे रहा हूँ, कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस आप दे सकते हैं जो है स्टेट उड़ीसा। देखिए पहले ERP9 में पहले कंट्री आता था फिर स्टेट आता था, बट यहाँ पर पहले स्टेट आ रहा है फिर कंट्री। तो आपका जो भी एडिशनल डिटेल्स है हम यहाँ एडिशनल डिटेल दे सकते हैं और यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो गया। तो देखिए उस समय टैली कंपनी क्रिएट करते वक्त वो बहुत सारे एडिशनल डिटेल्स मांगता था, जैसे आपका वहां पर ऑप्शन दिखाता था कि पासवर्ड दीजिए, पासवर्ड टैली वर्ल्ड पासवर्ड क्रिएट कीजिए, करेंसी का अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंज कीजिए, बट यहाँ पर वो सारे एडिशनल चीजेस को हटा दिया है। अगर आप चाहते हैं तो देखिए जैसे आप वहां पर एंटर प्रेस करते हैं उसके लिए एक नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाता है, जिसमें चाहें तो आप ये सब एडिशनल भी डिटेल्स दे सकते हैं। एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और TDS जो ऑप्शन था वो उस समय कंपनी क्रिएट करते वक्त नहीं होता था, जो सबसे एक प्रॉब्लमेटिक चीज से था जो मैंने फेस किया था, जो मुझे लग रहा था कि जब भी कोई कंपनी क्रिएट करता था तो उसी समय उसे पूछ लेना चाहिए, उसी समय वो डिटेल दे देना चाहिए। बट उस समय क्या होता था ना, आपको एक्स्ट्रा एक कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता था, स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना पड़ता था, फिर जाके आपको GST एनेबल करना हो या TCS एनेबल करना हो या TDS एनेबल करना हो वो करना पड़ता था। बट यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट वाइल क्रिएटिंग द कंपनी ही आपको पूछ लेगा कि आप GST एनेबल करना चाहते हैं या नहीं, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर आपका GST नंबर है जो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अगर समझ लीजिए यहाँ पर कुछ भी एक GST नंबर दे देता हूँ, ऑब्वियसली वो तो दिखाएगा इसका मैं एंटर। तो देखिए ये चीजें आपको एक्स्ट्रा एडिशनली जाके F12 प्रेस करके स्टेट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाके उसको एनेबल करना पड़ता था। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया है आपको, और एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना, वाइल क्रिएटिंग ही कंपनी आप उसको वहीं पर ही आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, दो कंपनी है, एक है कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड जो मेरा पुराना कंपनी था और ये एक नया कंपनी है। तो अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो एक कंपनी में जाइए, सेट करके आप इसे सेट कर सकते हैं। मैं इसे सेट कर देता हूँ जो मैंने अभी नया क्रिएट किया है। तो उसके साथ और क्या क्या नए ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हुए, यहाँ पर एक डाटा के लिए है सेपरेट कर दिया गया। उस समय हमको Alt+F3 जब हम लोग प्रेस करते तो उसी में आपको क्रिएट, अल्टर, बैकअप सब ऑप्शन होता था, बट यहाँ पर डाटा सेक्शन अलग कर दिया गया है। आप यहाँ डाटा सेक्शन में जाके बैकअप करना हो, रिस्टोर करना हो, स्प्लिट करना हो या फिर डाटा पार्ट को आपको मॉडिफाई करना हो तो आप वो चूज कर सकते हैं। एक्सचेंज में आपको डाटा सिंक्रोनाइजेशन करना है तो वो आप कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑप्शन थे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मेल, प्रिंट, हेल्प, वो वैसे का वैसा ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। एक नया ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल किया गया है, गो टू ऑप्शन। गो टू ऑप्शन में क्या होता है ना, देखिए जब भी आपको अगर कुछ एक रिपोर्ट चाहिए, समझ लीजिए मुझे बैलेंस शीट की डिटेल्स चाहिए या फिर GST की रिपोर्ट चाहिए, GSTR 1, GST 2, GST 3 भी, तो वो उस समय में आपको डिस्प्ले में जाना पड़ता था, जो मैं टैली ERP9 का बात कर रहा हूँ। फिर आपको वहां पर और एक ऑप्शन था स्टेच्यूटरी रिपोर्ट्स, उसमें जाना था, फिर उसके बाद ही आप GST रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते थे। बट यहाँ पर गो टू ऑप्शन के जरिए, जिसका शॉर्टकट है Alt+G, जैसे आप देखिए Alt+G प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपके कॉमन रिपोर्ट जितने भी हैं सब आपको यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है ना आपको, और टाइम टेकिंग जो है बहुत कम लगेगा। आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो आपको Alt+G जाना है, ट्रायल बैलेंस में चूज कीजिए, ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले करेगा। फाइनल अकाउंट रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, GST रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर स्टॉक आइटम रिपोर्ट, जितने भी सारे रिपोर्ट आपको चाहिए आप यहाँ पर एक ही क्लिक में सबको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखिए वाउचर्स भी अगर आपको क्रिएट करना हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हुआ ना बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन जो आपको गो टू मिला है। तो आपको लेंथी स्टेप नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल कर दिया है, शॉर्ट समय में बहुत ही विद इन कम समय में आप बहुत ही चीजें को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी देखिए बहुत सारे चेंजेस है, ये हम धीरे धीरे करके आपको दिखाते रहेंगे, एक एक करके वीडियोस में बताते रहेंगे। अगर मैं एक ही वीडियोस में सारे डिटेल्स दे दूं तो ये वीडियोस बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा, आपके लिए शायद बोरिंग भी हो सकता है। तो मैं आज के वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा। जैसे देखिए
पहले हमें जब भी कुछ लेजर्स क्रिएट करना होता, स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता, तो उसके लिए दो ऑप्शन होते थे, एक अकाउंट इन्फो और एक होता था इन्वेंटरी इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में आपको अगर कुछ भी अकाउंट्स क्रिएट करना हो, लेजर अकाउंट्स क्रिएट करना हो, ग्रुप क्रिएट करना हो, तो हमें अकाउंट इन्फो में जाना पड़ता, इन्वेंटरी इन्फो में जाके हमें स्टॉक क्रिएट करना पड़ता। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट होता, स्टूडेंट्स को याद रखना पड़ता था कि मुझे अगर स्टॉक बनाना है, स्टॉक क्रिएट करना है, स्टॉक को मॉडिफाई करना है, तो मुझे इन्वेंटरी इन्फो में जाना पड़ेगा। अगर मुझे लेजर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मुझे अकाउंट्स इन्फो में जाना पड़ेगा। बट यहाँ वो सब कंफ्यूजन को हटा दिया गया है, यहाँ बस एक स्मॉल ऑप्शन दे दिया गया है, क्रिएट अल्टर, क्रिएट कीजिए। अब यहाँ पर वो आपको पूछेगा क्या क्रिएट करना चाहते हैं, लेजर, ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी या स्टॉक आइटम, या फिर आपको कुछ जीएसटी डिटेल्स में अगर आपको क्रिएट करना है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसीजर आपको दे दिया गया है, बहुत ही इजी मेथड आपको दिया गया है, जिससे कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ भी नॉलेज थोड़ा हो तो उसे एक्सेस कर पाएगा। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब मैं पहले जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रेगुलरली फोन करते थे, कभी चैट के थ्रू से मुझे भी बात करते थे कि सर हमने टैली जो भी पढ़ा है वो भूल गया है। क्योंकि ना वो प्रोसीजर ही वैसा था कि ना आप एक बार किसी चीज को प्रैक्टिस करना अगर छोड़ दे तो वो नो डाउट आप उसे भूल जाएंगे। बट यहाँ पर आप टैली प्राइम में फीचर्स कुछ इस तरह से कर दिया है, अगर एक स्टूडेंट काफी देर के बाद भी अगर चाहता है प्रैक्टिस वापस से स्टार्ट करने के लिए, तो वो इजीली उसे हैंडल कर सकता है उसे। और ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि अकाउंट इन्फो में जाने से ही मैं लेजर क्रिएट करूंगा, वो क्रिएट में जाएगा तो उसे वहीं पर उसी समय ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रुप करना है या लेजर करना है या कुछ भी स्टॉक आइटम करना है। अल्टर में जाके भी वही सेम प्रोसीजर है, अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है, कुछ अगर आपने लेजर्स ऑलरेडी बना दिया है, जैसे आप देखिए अल्टर में मैं जाता हूँ, लेजर में जाता हूँ, तो ये सब लेजर हमने ऑलरेडी बनाए थे टैली ईआरपी 9 में, तो देखिए वो सारे के सारे लेजर यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप वाउचर टाइप में अगर कुछ अल्टरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप अल्टर कर सकते हैं, स्टॉक आइटम में अल्टर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए F2 का कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन एक पहले था, F12 का एक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन हमेशा यहाँ पर नीचे दिखाया जाता था, अब वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो एक चेंजेस इसमें किया गया, F12 का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि उसका यहाँ पर अभी कुछ काम नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको एनेबल कर दिए हैं, तो उसको आपको F12 की और जरूरत इतनी ज्यादा इस केस में तो नहीं पड़ेगी। क्योंकि ना आप यहाँ गो टू में जाके आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो यहाँ पर आप जाके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि ना यहाँ ऑलरेडी फिर कुछ चीजें आपको कंपनी में भी मिल जाती है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जैसे आपका कुछ जीएसटी रिपोर्ट्स हुआ, जीएसटी का अकाउंट्स डिटेल्स हुआ, तो आप यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको और बेसिकली सब सेम चीजें मिलेंगी, बैंकिंग पहले भी था, वाउचर्स वही सेम है, कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया गया है, सेल में कुछ मॉडिफाई किया गया है, मैं आपको एक सेल एंट्री करके दिखा देता हूँ। मैंने एक अनरजिस्टर्ड सेल करना चाहता हूँ, मैं पार्टी का नाम यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखिए, और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग कुछ वाउचर्स रिकॉर्ड करते थे उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते थे, तो यहाँ पर देखिए F12 ऑप्शन अवेलेबल है, आप F12 प्रेस कीजिएगा, तो उसके बाद और एक कॉन्फ़िगरेशन होता था, जब आप एंटर एंटर प्रेस करके जाते थे या फिर F12 प्रेस करके और एक कॉन्फ़िगरेशन को भी आप देख सकते थे। यहाँ पर आप यहाँ पर इसे यस कीजिए तो आपको एडिशनली कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाएगा, फिर बैक करके सो ऑल कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। पहले क्या होता था ना, आपको F12 दो बार प्रेस करना पड़ता था कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा देखने के लिए। जैसे पहले जब आप F12 प्रेस करते थे तो एक मेन्यू आता था, उसमें आप कुछ रिकॉर्ड करते थे, फिर वापस से आपको F12 प्रेस करना पड़ता था, पर वो चीजें यहाँ पर अभी आपको और भी इजी कर दिए। आप यहाँ पर जैसे शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सारा कॉन्फ़िगरेशन एक ही मेन्यू में आपको डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर अभी चूज करता हूँ, कुछ सेटिंग्स है, मैं सेटिंग्स चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसे रिसेंटली इंस्टॉल किया है, बेसिकली जो चीज है इसे मैं नो कर देता हूँ। और एग्जैक्टली ये देखिए इसमें क्या क्या किसको एक्टिवेट करना है किसको नहीं एक्टिवेट करना है, वो मैंने ऑलरेडी अपने क्लासेस में जो टैली के क्लासेस में उनमें बताया था, तो आप जाके उस वीडियोस को चेक कर सकते हैं किसको एक्टिवेट करना है किसको नहीं एक्टिवेट करना है। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर पार्टी का नाम देता हूँ, समझ लीजिए कैश। देखिए तो पहले क्या होता था, जैसे हम लोग कैश के ऊपर क्लिक करते थे, कैश कस्टमर का नाम भी अगर लिखते थे तो वहां पर एक ही फॉर्म में सारे ऑप्शन आ जाते थे। अब इन्होंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया है, तो जिसमें आपको अगर डिलीवरी नोट नंबर देना है तो अगर आपको कुछ होता है तो आप दे सकते हैं, जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आता है जो होता है पार्टी डिटेल। तो यहाँ पर ये कैश अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड हो जाता है,
और इसके बाद जैसे आप बिल बनाते थे वही सेम प्रोसीजर, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ज्यादा सेम है। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। मार्जिनल रेट समझ ले 1500 कर दिया, टू क्वांटिटी एंटर, टैक्स आपको जो लगाना है आप यहाँ लगा सकते हैं, एंटर एंटर सेव। प्रोसीजर इज सेम, आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, या फिर अगर कुछ सेटिंग चेंज करना हो प्रिंटर का सेटिंग तो व्यू आप कर सकते हैं। प्रीव्यू करके देखिए, आपको यहाँ प्रीव्यू दिखा दिया है। देखिए फॉर्मेट भी सेम है, फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है। अगर आपको लगता हो कि नहीं फॉर्मेट कुछ चेंज हो गया, नहीं फॉर्मेट विल रिमेन सेम, पहले जिस फॉर्मेट में आता था अभी भी उसी फॉर्मेट में आएगा। डे बुक पहले भी वही था, अभी भी वही है, मतलब अभी भी वही ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। बैंकिंग जिसमें हम रिकंसिलेशन करते थे, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसमें बहुत चीजें आपको बाहर ही दे दी गई है। क्योंकि ना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको और लेंदी नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए पहले हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ता था, आउटस्टैंडिंग चेक करना होता था, अकाउंट्स बुक में जाके सेल रजिस्टर चूज करना था। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर जो दे दिया है गो टू, आप अपना टाइम सेव करके इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ये था टैली प्राइम में कुछ नए फीचर्स। और एक फीचर्स आपको मैं बताना भूल गया। अब देखिए पहले के जो टैली में था उसमें क्लोज ऑप्शन नहीं काम करता था, टॉप में जो क्लोज ऑप्शन था वो डिसेबल होता था। आपको अगर क्लोज करना होता तो वो कंट्रोल प्लस एम का यहाँ शॉर्टकट हमेशा डिस्प्ले कर रहा होता था, वरना आप एस्केप प्रेस करके क्लोज करते थे। बट यहाँ पर आप माउस का भी यूज करके क्लोज का ऑप्शन कर सकते हैं, यहाँ देखिए, जो पहले टैली ईआरपी 9 में नहीं था। तो आप इसको यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हैं या फिर एस्केप प्रेस करके एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने ऑलरेडी टैली में जो भी प्राइम में जो नए चेंजेस आए उसके बारे में आपको इस वीडियोस में डिस्कस किया। अगर ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रही, अगर आपको लगता है इसमें से आपको कुछ नॉलेज मिला तो आप इसे शेयर कीजिएगा जरूर, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल में अभी भी जुड़े रहिए। हम बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन जो भी आता है टैली में तो वो हम आपको बताते रहेंगे। और टैली प्राइम में, टैली में बहुत कुछ और रिमेनिंग कोर्सेज, बहुत कम कोर्सेज थे जो बच गए थे, रह गए थे, उसको भी हम चाहेंगे थोड़ा ज्यादा कवर करने के लिए। तो टिल देन थैंक्स ऑल ऑफ यू।